बढ़ते एट्रिशन रेट से जूझ रही आईटी कंपनियों के सामने एक और संकट खड़ा हो गया है। आईटी कंपनियां अपने घटते मार्जिन से परेशान हैं और कम मार्जिन की भरपाई के लिए अब कंपनियों ने कर्मचारियों पर गाज गिरानी शुरू कर दी है। आईटी कंपनियां कर्मचारियों के वेरिएबल पे आउट में या तो बड़ी कटौती कर रही हैं या फिर भुगतान में देरी कर रही हैं। विप्रो के बाद अब इंफोसिस भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इंफोसिस ने औसत वेरिएबल पे आउट में 30% तक की कटौती कर दी है। कंपनी ने जून तिमाही के लिए 70% वेरिएबल देने की बात कही है। कर्मचारियों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। वहीं विप्रो ने बी और सी ग्रेड कर्मचारियों को वेरिएबल नहीं देने का फैसला किया है, जबकि जूनियर कर्मचारियों को 70% वेरिएबल देने की बात कही गई है। वहीं टीसीएस के भी चुनिंदा श्रेणी के कर्मचारियों का वेरिएबल पे 1 महीने तक टालने की खबर आई थी, लेकिन इस पर कंपनी ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि उसने ऐसा कोई फैसला अभी नहीं किया है। इंफोसिस विप्रो भले ही वेरिएबल पे कम कर रही हो या उन्हें टाल रही हो, लेकिन कई कंपनियों ने अपना मार्केटिंग बजट कम करना भी शुरू कर दिया है। कुछ ने गैर जरूरी ट्रैवल समेत दूसरे खर्चों को कम कर दिया है। आईटी कंपनियों की तरफ से हो रही इस कटौती के लिए मार्जिन में आई कमी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ज्यादातर आईटी कंपनियों का जून तिमाही में मार्जिन काफी घटा है। वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में इंफोसिस का नेट प्रॉफिट उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। वहीं उसका ऑपरेटिंग मार्जिन इस दौरान 23% के करीब रहा है, जो पिछले साल इस तिमाही में 25% के करीब था। इंफोसिस की तरह ही विप्रो और टीसीएस का मार्जिन भी घटा है। विप्रो का मार्जिन जून तिमाही में 15% रहा, जो 2019 के बाद सबसे कम है। अब आपको बताते हैं कि आखिर मार्जिन में कमी क्यों हुई। आईटी कंपनियों का कहना है कि एनुअल सैलरी इंक्रीज, टैलेंट मैनेजमेंट और ट्रैवल एक्सपेंसेस का खर्च बढ़ने की वजह से दबाव दिख रहा है। लगातार बढ़ते एट्रिशन रेट को कम करने के लिए आईटी कंपनियों ने फ्रेशर्स की हायरिंग बढ़ा दी। इसके साथ ही कर्मचारियों को रिटेन करने पर भी कंपनियों ने ज्यादा खर्च किया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आईटी कंपनियां या फिर किसी भी सेक्टर की कंपनी क्यों ना हो, उनके प्रॉफिट या मार्जिन में कमी आने की कीमत हमेशा कर्मचारी ही क्यों उठाएं? क्या आईटी कंपनियों के पास अपना मार्जिन सुधारने के लिए कोई और रास्ते नहीं है? दबाव क्या सिर्फ जब बनता है तो वो कर्मचारियों के वेरिएबल्स या पे कट के रूप में ही सामने आता है, उसे मैनेज करने की जो स्ट्रैटेजी होती है, क्या यही एकमात्र स्ट्रैटेजी है या कुछ और भी रास्ते हैं?